जो ढोलक पर हमारी संगति दे रहे हैं, छोटे भाई भजनलाल मदनपुरा फतेहपुर सीकरी आगरा से, और आप इस प्रोग्राम को कल से ही अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसको दूर तक फैलाने वाले आपके जाने पहचाने पंडित रोहतास डीजे साहब चंद्रधर से जी देखिए, कवि ने बताया है सबसे मुझे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे जो संचालक जी हैं इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार सभी इनके लिए सभी दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाएं भैया। अब देखिए, एक भक्त जो है भगवान से शिकायत करने लगा, प्रभु हमें एक बात बताइए कौन सी। कि तारो ए पहला जुते नहीं, तारो ए पहला जुते नहीं, और ताती को तमाशो देखो, ताती को तमाशो देखो, और तारो ए ध्रुव याने बालापन गायो है, बालापन गायो है, और उतारो विभीषण याने भ्राति को तमाशो देखो, लंके सब को गर्भ गए डारो है। लेकिन कितारो मोदा थजी सुतू शिशु पे चलायो सत्य नहीं हारो है। तो प्रभु एक बात बताइए कि भक्त भक्त तारे तो एहसान प्रभु कौन कियो, बिनु भक्त तारे तो एहसान हो तारो। अब देखिए, अभी हमसे पहले भाई पहला सिंह सुना रहे थे जो वास्तव जिकड़ी हुआ करती है वो सुनाई, पुरानी रंगत में पुराना ढोला, पुरानी सारी चीजें सुनाई, सुनेंगे उसी साल से मास्टर आज कैसे। मारो
राखी कहते हैं सरदारा अब देखिए नेक तेरो रो बेटो पहला अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरा प्रसंग है एक दिन पांडवों की सभा लगी हुई क्या हुआ कि पांडव को दरबार लगे और मां आई कुंती माई है और बहुत उदनागे बीक याद वो श्री कृष्ण की कहने लगी आज पांचों पांडव मेरे सामने बैठे हुए हैं मुझे अपने कृष्ण की याद आ रही है। पारथ से यो कहने लगी क्या पारथ से यो कहने लगी तुम पूरी द्वारका जाओ और कुशलात कृष्ण की सर्जनों इस प्रकार से आज पारथ से कह लगी जाइए और मेरे भगवान मेरे इष्ट की जाकर के खबर लेके आइए। सज्जनों देखिए पार्थ क्या कर लगा बेटा कैसा बताया से लगा दिया बैठा दिया आसन पर दरबार भरा हुआ है। सज्जनों आज उसी समय कौन एक ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को गोदी में लेकर के चले आते हैं। 20 सभा के मध्य में खड़े हो गए बेटा और जब खड़े हो गए तो देखा क्या कहने लगे भाई प्रवर क्या बताया बेटा आठ पीट रहो छाती और या द्वारा मत के अरे नहीं पीच सो भयो नहीं कोई मेरो
बजो मेरो बैली लेकर के बड़ी सभा के मध्य में खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं यहाँ के महाराज से श्री कृष्ण से पूछने के लिए आया हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे आठ पुत्र पैदा हो गए और आठों को काल क्यों खा गया। सरदारों, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, लेकिन कौन कौन मुख्य है बेटा? और क्या करने लगा बेटा? सुनेंगे पुराने वाला ढोला मास्टर भजनलाल कि ये अरे ब्राह्मण बात ना ऐसा से।
आप यहाँ के महाराज हैं, राजा हैं, आप ही मुझे उत्तर दीजिए। सामने पहुंच जाते हैं और सुने उड़ान कैसे बताए भैया। सो मेरे भैया पिपर कहे किला है तुम्हारे, सुनिए प्रभु, है तुम्हारे और जीवन को ठेका, पिता के मर गए पुत्र। छोटा सा गाना सजनों, बताया है कवि ने हमारे यहां कैसी कैसी नारी हुई है और उनका अनुकरण कर रही है हमारी आजकल की बहन बेटियां, उनके पद चलने पर चल रही है कैसे भैया। आज जब रावण सीता का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में पहुंचा दिया, रावण सीता के सामने पहुंच जाता है, धमकाने लगा कि केवल तू एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। लेकिन क्या जवाब दिया सीता ने, कोरी अबुला जाने, अबुला जाने, अरे मती कोरी अबुला जाने, और तू राजी के नाए कोरी अबला मत समझ। सुन मैं क्या चीज हूं, एक कदना सुन रावण, मैंने मैंने एक कदना सुन रावण मैंने, और भोजन स्वाद बनायो रे, और 3600 थे व्यंजन उसमें, ये 3600 थे व्यंजन उसमें, ऐसो थारू सजायो रे। लेकिन क्या हुआ, हाय ससुरा को मैं चली जीवावन,
ये ससुरा को मैं चली जीवावन आगे कदम बढ़ायो रे। लेकिन तभी क्या हुआ, ये ससुरा को मैं चली जीवावन आगे कदम बढ़ायो रे। तिनका गिर गयो है थारी में, ये तिनका गिर गयो है थारी में, जाने कहां के उड़ के। समझ ले, मैं अपने ससुर दशरथ जी के लिए खाना लेकर जा रही थी, एक हाथ में लोटा और एक में भोजन की थाली, लेकर कहीं से तिनका आ गया। अब क्या हुआ, क्या सोच रही सीता, नीचे धरू रे अपमान होई मैंने खुद अकल लगाई है, नीचे धरू अपमान होई मैंने खुद अकल लगाई है, हाय कैसे तिनका दूर करूं मेरी नहीं समझ में, ये कैसे तिनका दूर करूं मेरी नहीं समझ में आई है, ये कवि नजर से देख के तिनका। और ये क्या मतलब हमारे बड़े बाबा साहब हमें अपना आशीर्वाद देते हुए, और ये 20-20 रुपए का आशीर्वाद, विचार किया, ये नीच धरूं अपमान होई मैंने खुद ही अकल लगाई है, कैसे तिनका दूर करूं मेरी नहीं समझ में आई है, करी नजर से देख के तिनका धर्म दियो जलाई है, जैसे तिनका में आग लगी, जैसे तिनका में आग लगी, ससुरा की बड़ी लगाई सजनो। जैसे तिनका को थाली में भस्म किया, वो सीन दशरथ महाराज ने देख लिया। अब जैसे ही देखा तो दशरथ विचलित हो गए, विचार करने लगे, भैया ये बहुआ क्या खाते, क्या सोच रहे, क्या सोच रहे, कैसे बताए भैया, भैया यही नजर से काउद नसिया मेरे राम को, ये इसी नजर से काउद नसिया मेरे राम को मारेगी, तेरे बचन करूं जब भोजन अपने प्रण को पारेगी, मैं भोजन जब करूंगा तू मुझे तीन वचन दे दे, यहाँ कौन नहीं जान रहा केवल मैं और तू है, तेरे बचन करूं जब भोजन अपने प्रण को पारेगी, कौन सा वचन, ये आज ते ऐसी कर रही नजर काऊ और पे नहीं लेकिन सरदारो अंत में कहने लगी सीता, सुनना बा पंचवटी परे जाय के रावण पकड़ो हाथ तू हमारो है, ये पंचवटी पे जाय के रावण पकड़ो हाथ तू हमारो है, तो कू भस्म वही कर देती काम न मोकू भारो है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया मालूम है, ससुरा को जो दिए वचन बापो आज तलक पन, ससुरा को जो दिए वचन बापो आज तलक पन पारो है, और किसी नजर से बच के रही हो कह रहे हो बड़ के